ये वाला और ये वाला, ये देखिए, ये वाला, ये और ये वाला, ये दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक साथ, ये देखिए आ गया, ये देखिए 6 आ गया, 1 एक आ गया और 6 आ गया। इसको क्या करना है, हमको कम भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कम नहीं कर सकता है। देखिए ये देखिए, तो हमको क्या करना है, 6 पे रखना है इसको। मैं 6 पे रखना है तो इसको नेस्ट करना होगा, नेस्ट करना होगा, नेस्ट किया, इसके बाद फिर हमें नेस्ट करना होगा, फिर हम इसको फिर नेस्ट करना होगा, फिर नेस्ट किया, फिर नेस्ट करना होगा इसको, फिर नेस्ट करना होगा। ये देखिए अब इसको फिर नेस्ट करना होगा, ये देखिए हमने नेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको भी हम सेट करना है। ये देखिए हमको क्या है, ये 0 पे आ गया और 2 पे जाएगा, ये देखिए उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें को क्या करना है, 1 पे रखना है, 1 पे रखने के बाद क्या करना है, इसको नेस्ट करना है। नेस्ट किया, 14 आ गया, 14 पे क्या है, हमारा 0 पे फारेनहाइट में है और 1 पे क्या है, हमारा सेंटीग्रेड में है। तो हमको अभी क्या है, फारेनहाइट पे रखना है, तो हम 0 पे रखेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, ये हम 0 पे रख दिया, फिर इसको हम नेस्ट करना है। ये देखिए अब इसको क्या है, 15 पे आ गया। 15 पे क्या है दोस्तों, कि मैं बताता हूँ आपको, ये है टाइम का, जो कंप्रेसर का टाइम पकड़ता है ना, कितना मिनट में कंप्रेसर पकड़ेगा, ये इसका टाइम है। कि हमारा 3 मिनट है तो 3 मिनट में पकड़ लेगा, अगर हम 0 पर रखते हैं तो तुरंत कंप्रेसर पकड़ लेगा, तो हम 0 पर नहीं रख सकते, हमें 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पर रखना होता है। तो हमने 3 मिनट पर रखा हुआ, अब हम इसको क्या है, हमको नेस्ट करना होगा। इससे वाले से और उस वाले से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, जहाँ पर सेट करना है, जितने मिनट पे, 4 पे, 5 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, 0 पे से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको नेस्ट करना है। ये देखिए दोस्तों हमारा 27 आ गया, 27, ये हमारा बराबर है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, ये ठीक ठाक है, कंपनी का सेटिंग है ये वाला, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे 28 पे, ये है 28, 28 पे क्या है, हमारा 50 टेम्परेचर सेट है। और दोस्तों 50 टेम्परेचर सेट है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम क्या है, अगर जब, तो इसलिए क्या है, हमको 50 पे सेट किया था, 50 पे हमने सेट कर दिया इसको। 50 सेट करने, क्या करने के बाद इसको हम 50 तक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, 50 तक हमारा कंप्रेसर पकड़ लेगा। हम जहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेट नहीं होगा। तो इसके बाद क्या करना है, ये वाला बटन, ये देखिए डन लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों डन, ये डन हम डन कर देंगे इसको। डन करेंगे तो हमारा सेटिंग एकदम हो गया। अब क्या करना है इसको, तो वो जहाँ भी टेम्परेचर सेट करना है, जैसे ये देखिए जहाँ भी सेट करना है सेट कर सकते हैं। अभी हमारा रूम टेम्परेचर 90 आ रहा है और हमने सेट किया है 70 पे, तो हमारा कंप्रेसर 3 मिनट के बाद ये पकड़ लेगा। ये देखिए इसमें, ये देखिए कंप्रेसर हमारा पकड़ लिया है, अब हमारा क्या है, कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, मैं मल्टीमीटर में इधर रखता हूँ, इसलिए आपको कुछ दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये है सेकंड स्टेज और ये हमारा ब्लोअर है और ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। तो पहला कंप्रेसर पकड़ेगा ये वाला है, ये इधर से तीसरा नंबर, और ये हमारा कॉमन है, ये हमारा, इसमें कोई वो नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, खाली है। ये हमारा ब्लोअर का है, जो हमारा ब्लोअर चलेगा, और इसमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है, हमें तो सिर्फ ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, उसमें ऐसा दिया हुआ है। डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हैं, इसका क्या नाम है, 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट का है दोस्तों, इससे कहीं 220 दे देंगे तो जल ही जाएगा ये, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इसके बारे में जो भी। देखिए अभी इसमें, अभी ये 3 मिनट में बताने लगे, देखिए ये देखिए दोस्तों, हमारा आवाज़ आने लगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर पकड़ लिया है, और देखिए ब्लोअर में सप्लाई आ रहा है। अभी देखिए ये लास्ट वाले में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका भी थोड़ा टाइम है, इस
पहले फर्स्ट पकड़ेगा, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद सेकंड पकड़ेगा। ये देखिए हमारा ब्लोअर भी चल रहा है और ये हमारा कंप्रेसर भी एक चालू हो गया है, क्योंकि डबल स्टेज का है ना, इसमें डबल कंप्रेसर भी आराम से चलता है। तो इसमें क्या है, डबल कंप्रेसर का कनेक्शन कैसा है दोस्तों, ये हमारा ये वाला और ये वाला दोनों वायर शॉर्ट जाएगा, इसमें 24 वोल्ट जो आ रहा है यहाँ लगेगा, ठीक है दोस्तों। और वाई में ये कंप्रेसर का लगेगा, और यहाँ पे ये दोस्तों ये देख रहे हैं ये कॉमन है, ये वाला ये कॉमन है। कॉमन में हमें न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रल होता है कॉमन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लगा देना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं लगाना है, यहाँ ब्लोअर लगाना है, ब्लोअर का मतलब जी लिखा होगा तो ब्लोअर का है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों वाई भी पकड़ लिया, देखिए दूसरा भी पकड़ लिया, वाई टू पकड़ लिया है, और ये हमारा ब्लोअर चल रहा है और ये हमारा वाई चल रहा है। इसमें वाई वन नहीं लिखा है, ओनली वाई लिखा हुआ है, तो ठीक है। इसमें दोस्तों कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को लगाने में, एकदम सिंपल सा कनेक्शन है। ये देखिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको और बेल आइकन प्रेस करें। ये देखिए दोस्तों हमने इसका वो बना दिया है डायग्राम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हमारा क्या है, ये दूसरा कंप्रेसर है, यहाँ पर क्या देखना, दूसरा कंप्रेसर का ये खाली रहेगा, इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर ब्लोअर देना है, उससे यहाँ ब्लोअर देना है, यहाँ पर भी खाली रहेगा, इसमें कोई नहीं है। यहाँ हमें न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल कॉमन इसको बोलते हैं, यहाँ पे देना है पहला कंप्रेसर, और यहाँ पे क्या है हमें सप्लाई देना है। तो हमारा ये क्या है, दोनों वायर शॉर्ट रहेगा, एक वायर एक टर्मिनल में आपको ये सप्लाई दे देना है, यहाँ पे दे देना है, या इस टर्मिनल पे दे देना है, किसी भी एक टर्मिनल पे दे देना है। और यहाँ एक वो कंप्रेसर वन को दे देना है, यहाँ पर हमें न्यूट्रल दे देना है, और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, और यहाँ पर हमें ब्लोअर का दे देना है, ब्लोअर का, और ये भी खाली रहेगा, ये पॉइंट भी खाली रहेगा, और ये तो दूसरा कंप्रेसर का देना है। तो जो जो पॉइंट खाली है दोस्तों मैं उसको कट का निशान लगा देता हूँ। ये हमारा खाली रहेगा, यहाँ हमें कुछ नहीं देना है, ये देखिए। बाकी हमको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि वायर शॉर्ट करना है यहाँ पे, और इसमें एक वायर यहाँ दे देना है, चाहे यहाँ दे देना है कंप्रेसर, एक तो पहला कंप्रेसर को यहाँ दे देना है, और दूसरा न्यूट्रल यहाँ पे देना है, न्यूट्रल जो आएगा हमारा, और ब्लोअर का यहाँ दे देना है, और दूसरा कंप्रेसर का यहाँ दे देना है, और इधर कुछ नहीं देना है दोस्तों।